खाना लग चुका है जी। हमने जो है ना ऑर्डर किया था यहाँ का फेमस चिकन टिक्का, जो कि हम दोनों भाइयों का भी स्पेशल है। क्यों भाईजान? हाँ भाई, पता नहीं क्या पी रहे हो सर भाई। यार तुम्हें बताना ज़रूरी है, कुछ भी पीऊँ मैं। चलो पियो। यार तुम्हें चाहिए? नहीं देखना है। आज तो तुम्हें धरा भी नहीं, क्या देख तो रहे हो। देख इस्तेमाल करते रहिए। अच्छी बात नहीं है? अच्छी बात है, देसी तरीका इस्तेमाल करें। हाँ ना, चलो। अस्सलामु अलैकुम भाई लोग, क्या हाल चाल हैं आपके? आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नहीं हुए तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, यहाँ पे क्लिक करें। अभी मैं अपना हाथ धोके रेडी हो चुका हूँ। टाइम हो रहा है 12:30 का। निकलेंगे, भाई की दवाई लेनी है। जी वो शरीफ से निकल रही है गाड़ी हमारी। पुर पहुंच चुके हैं और बारिश हो रही है यहाँ बड़ी खतरनाक तरीके की, जोर शोर वाली बारिश हो रही है यहाँ। ये देख, अभी रिक्शे में बैठ चुके हैं दोनों भाई। बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा तेज और रिक्शे वाला भाई खड़ा हुआ था यहाँ करीब, उसने जल्दी जल्दी बिठा दिया अंदर। उसने कहा है कि आप भीगने से बच जाएंगे, लेकिन इसके अंदर जो है ना फिर भी पानी आ रहा है। बारिश ज़्यादा हो रही है ना, ज़्यादा बारिश हो रही है तो फिर आपको पता है जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। क्यों परेशान हो? अरे चौक फुआरा सारे टुल्ले इधर बैठे हुए हैं पुलिस वाले। ये देखें जी, अपने डॉक्टर के पास पहुंच चुके हैं डॉक्टर अकरम एहसान। डॉक्टर को चेक कराने के बाद उसने कुछ टेस्ट क्लिक कर दिए। ये लेकर आए इरफान लैब पर टेस्ट कराने हैं एहसान भाई के। ये देखें, ये तीन टेस्ट हो गए जी। चेक करें जहाँ टिक लगा हुआ है ना, ये वाला तीन टेस्ट कराना। जबलपुर का जो है ना मौसम बड़ा ही ज़बरदस्त बना हुआ है, बेहतरीन मौसम बना हुआ है। बारिश हुई है टिका के, मज़ेदार वाली जो बारिश होती है ना वो वाली बारिश हुई है। कपड़े वगैरह सारे भीग गए हैं। हम तो जैसे ही वैन से निकले हैं ना बाहर तो रिक्शे में घुस गए थे, लेकिन रिक्शे की इत्तेफाक से क्या कह सकते हैं, छत ऊपर से फटी हुई थी तो पानी आ रहा था अंदर। अभी रुक गई है, हल्की हल्की हो रही है मूनसून वाली बारिश। तो सुनाओ, सेट हो गया टेस्ट तुम्हारा? टेस्ट हो गया, अभी जाएंगे डॉक्टर के पास, वो बताएं। इसकी रिपोर्ट आ गई है जी टेस्ट की, तो अभी फिर चलो डॉक्टर साहब के पास चलते हैं। बंद करो इसे, चलो चलो चलो। मेडिकल से दवाई लेकर निकल रहे हैं घर के लिए वापस, तो रश चेक करें आप। रश बहुत ज़्यादा है,
ये बहावलपुर का स्पेशल रेस्टोरेंट है, तंदूरी रेस्टोरेंट। वो देखें, एक बंदा भी ऊपर खड़ा हुआ है सामने। माहौल बड़ा ज़बरदस्त है यहाँ पर, प्यारा प्यारा अच्छा माहौल बना हुआ है। और यहीं से चलकर खाना खाते हैं मैं और एहसान भाई। ये देखें जी, भाईजान हमारे चिकन टिक्के लगा रहे हैं। और रोगनी नान भी यहीं पर लगता है। इधर नान लग रहे हैं साइड पे। अच्छी बात है, देसी तरीका इस्तेमाल करते रहिए। अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात है, देसी तरीका इस्तेमाल करें। हाँ ना, चलो फिर देखते हैं आज। बस तुम रहने दो, तुम कल खा लेना। वैसे भी तुम्हारी तबीयत जो है ना ठीक नहीं है, तो हमें खाने दो। डॉक्टर ने कहा है कि ऐसी चीज़ें खाया करो, सेहत बनेगी। देखें असद भाई लगे हुए हैं, असद भाई लगे हुए थे। पता नहीं क्या पी रहे हो असद भाई। यार तुम्हें बताना जरूरी है, कुछ भी पीऊं मैं। चलो पियो। यार तुम्हें चाहिए? नहीं देखना है। आज तो तुम्हें जरा भी नहीं। क्या देख तो रहे हो, ये सब दिखाओ भाई लोगों को। असद भाई ने फिनिश, ये देखो जी फिनिश कर दिया असद भाई ने, सब कुछ फिनिश कर दिया। मेरी तरफ ले आओ, ये देखो मजा आ गया। दिल कर रहा है जिसने बनाया ना उसकी कॉपी कर दी। अच्छा तो दोस्तों, अभी तंदूरी रेस्टोरेंट से खाना वगैरह खा चुके हैं, फुल हो चुके हैं। तो आज की वीडियो का यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ पसंद आई हो ना भाई लोग, जल्दी से यार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चले फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।